किसी के साथ ब्याह हुआ था मेरा, सुहागरात की रात लुट के भाग गई थी मुझे। आप सब ईश्वर से ये दुआ मांगिएगा कि मारे बापू सा जहाँ कहीं भी होना, उनकी आत्मा को शांति मिले और वो खुश हो। और यो बात याद रखिएगा कि आप सब बड़े, कभी भी कोई भी जरूरत हो तो इस हवेली के दरवाजे आप सबके लिए हमेशा खुले। जय राम जी की। कनक जी कहाँ जा रही हैं? ये कनक किसके पीछे जा रही है? तुम? मैंने कल रात को आपको मैसेज किया था, उसके बाद आपका फोन भी बंद था और आपका कॉल बैक भी नहीं आया। मैं समझ गया जरूर कोई प्रॉब्लम हुई होगी। हाँ। इसीलिए मैं रिस्क लेकर यहाँ पर आ गया आपसे मिलने, ताकि मैं उर्वशी मेनका के बॉयफ्रेंड के बारे में आपको बता सकूं। बहुत अच्छा किया, ताकि आप मेरी तरफ बाकी लोगों को उसके चंगुल से बचा सकें। ये देखिए, ये बॉयफ्रेंड है उसका। समर, आप जानती हैं इसे? शिवा से शादी के पहले मेनका का कोई बॉयफ्रेंड था क्या? और अगर था तो वो कौन है? अरे मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। बहुत अच्छे से। बस अब बहुत हो गया। अगर आज इस कनक ने थोड़ी सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की ना, तो मैं इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगी। मेनका जी, शिवा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ मैंने सोचा कि यहाँ पे फूलों वाला पेड़ होगा, तो थोड़े से फूल तोड़ लेती हूँ पूजा के लिए, बस इसीलिए आई थी। कोई फायदा नहीं, क्योंकि अट्टे ऐसा कोई पेड़ ही ना है। चलिए आप मंदिर जाइए, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी मेरे जैसा रूप पूरे सात गांव में तो किसी का भी ना होगा ना। थारा रूप तो किसी जहर से कम ना है चकोरी रानी। मांग ले, तू जो हमारे से मांगना चाहती है ना, मांग ले। तो अगर तू भगवान होता तो मैं तुझसे ये मांगती कि कनक ने जो मेनका को चैलेंज किया है ना, वो मेनका को जिता दे। वो शिवा बहुत उड़ रहा है आजकल। मैं चाहती हूँ कि वो जमीन की धूल चाटते फिरे। अरे तुझे इंसान तो क्या, अरे भगवान भी मना ना कर सके। मैं यहाँ पे इतनी भारी भारी बातें कर रही हूँ और तेरे मुँह से लाड़ टपक रही है। हे भगवान, पूरा दिन बस सत्यानाश ही करते रहे तू। तब बादाम पिस्ता पूरा दिन खाता रहता है, फिर भी शरीर पिलपिला का पिलपिला। मूंग ये मूंग मूंग, अरे हमारी कमर तोड़ के रख दी। मूंग ये यहाँ पे रहता है ना? अरे मने के पता, तू नहीं रखा होगा। मैंने नहीं रखा, इसलिए पूछ रही हूँ। फाइल नहीं है,
अरे बने के बता चकोरी, इसलिए यो अठे से अठे आया। लेकिन मुझे पता है ये जरूर उस तीखी मिर्च की हरकत है। इसे पता कैसे चला? मैं भी आई। कनक जी, वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अटैक क्या कर रही हैं? और वो आदमी हमसे दांड लेने आया था ना, तो आप यहां खड़े होकर उससे बातें क्या कर रही थी? एक गरीब आदमी और क्या बात करेगा शिवा, बता रहा था कि वो बहुत दुख भरे वक्त से गुजर रहा है। वो हमेशा से ऐसा नहीं था, उसके परिवार में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो मुझसे मदद की गुहार लगा रहा था। मैंने से कहा कि शिवराज मदद कर देंगे। कनक जी, आप जो ये कह रही हैं बात इतनी है ना, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि आप कुछ तो छुपा रहे हो। कल भी मैंने आपको घर में बहुत ढूंढा था, आप नजर ना रहे थे। देखो मारे को आप पे ना भरोसा पूरा है। मैं जानता हूँ कि आप मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ोगी, लेकिन कुछ तो है जो आप छुपा रहे हो। आप मुझे परेशान दिख रहे हो कड़ंग जी, अगर कोई बात है तो मारे से कहो, मैं किस लिए हूं? विश्वास करते हो ना मुझ पे? बिल्कुल। तो तोड़ूंगी कैसे शिवा? बस इतना भरोसा रखो, मैं तुमसे कभी कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। सिर्फ सही वक्त का इंतजार है। सही वक्त होगा ना तो ये जो भी मेरी परेशानी है ना, मैं बता दूंगी तुम्हें। तब तक के लिए ना शिवा, थोड़ा सा वक्त दो मुझे प्लीज। मुझे कुछ जरूरी काम है जो पूरे करने हैं।